चलिए, इस पार्ट, ये सेकंड पार्ट है स्टडी पॉइंट का, और मैं स्टडी पॉइंट के टेबल में कोर्सेस नाम का टेबल बनाया था मैंने, जिसमें कि अभी टाइटल, ऑथर और डिस्क्रिप्शन था। ऑफ कोर्स मुझे इसमें इमेज भी ऐड करना है और इमेज अपलोड करना भी है, तो मैं अभी से ही टाइटल के जस्ट बाद एक इमेज का कॉलम ऐड कर देता हूँ। इमेज जो कि एक वर्चर होगा और इसमें 200, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ कोर्स के टेबल के लिए, मतलब जहाँ पर मुझे कोर्स का टेबल चाहिए। तो मैं अपने एडमिन नाम के फोल्डर में इंडेक्स का पेज जैसे बनाया, वैसे ही मुझे एक और फाइल बनाना होगा जिसका नाम है courses.php। अब ये courses.php index.php से बहुत सिमिलर है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। क्वालिटी 9 का सेक्शन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा इसमें, यानी रो डिलीट कर देता हूँ। अब आया टेबल और सब क्लास टेबल, ठीक इसी तरीके से tr इसके अंदर में, और इसके बाद th, और यहाँ पे id, यहाँ पे टाइटल, और इस जगह पे आ गया इमेज, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन था ना, अच्छा ड्यूरेशन नहीं, डिस्क्रिप्शन और ऑथर, और एक लगा देते हैं लास्ट में एक्शन। यहाँ पे लूप चलाते हैं, पीएचपी से शुरू करते हैं, फोर इंच लूप, फोर इंच लूप डॉलर, यहाँ पे मैं मतलब कोर्सेस एज कोर्स, ठीक है, सिंगुलर और प्लुरल का डिफरेंस है। इसके बाद मैं यहाँ पे पीएचपी इंड फोर इंच, अब बीच में टी आर, टी और यहाँ पे इको डॉलर कोर्स एरो आई, ठीक ऐसे ही टाइटल, ठीक ऐसे ही इमेज, अभी फिलहाल ऐसे ही देते हैं, आई एम डी तक बाद में, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे एक्शन है, तो ये जगह बिल्कुल ब्लैंक है, एक बटन क्रिएट कर बिटवीन बिटवीन दिस पेज, बीच में यहाँ देखते हैं। तो मेरे पास एक स्लैश कोर्स का एक बनाना होगा मुझे, तो एडमिन कंट्रोलर में एक फंक्शन और कॉपी पेस्ट हो जाए, और यहाँ पे कोर्स, कोर्सेस, ठीक है, एडमिन में मैंने बनाया है अभी कोर्सेस नाम का फाइल, उसको मैं कर दूंगा रेंडर स्लैश कोर्सेस, वर्किंग में है। देखिए ये वेरिएबल कोर्सेस है, ये अनडिफाइंड बता रहा है, रीज़न क्या है, यहाँ से डाटा कुछ पास किए नहीं है, डॉलर डाटा, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या कोर्सेस, और यहाँ पे क्या लिखना है, एरो लगाकर यहाँ पे लिखो, यहाँ पे करना है अपना दिस डाटा वर्क कॉलिंग डाटा, और सर टेबल का नाम कोर्सेस, सारे डेटा चाहिए इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है इसको इस्तेमाल का, और सीधे सीधा मैं यहाँ सीक्वल वर्ड में डॉलर डाटा पास करूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ, एरर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिस का थोड़ा सा गेम, नहीं कॉमा हो गया, अरे क्या है, इशू क्या कर दिया, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एरे पास नहीं करना है, एरे इस तरह से पास करना है कि एरे बनाना नहीं है, एरे असाइन करना है, एरे है दोनों ही, बस असाइन करना ना चलते। अब ठीक है, अभी से भी कॉलो,
डाटा वर्क लोड नहीं है ये बता रहा है, तो डाटा वर्क को लोड करेंगे ऑटो लोड हो जाएंगे, और नीचे सबसे लास्ट में मॉडल डाटा वर्क अपलोड हो गए। रिफ्रेश, देखो आ गया पेज। अब इस जगह पे जो हम लोगों को ऊपर में एक बटन ला लेना है इंसर्ट न्यू के लिए, जो नए कोर्स को ऐड करेगा। तो कोर्सेज टेबल में ही मैं टेबल के जस्ट ऊपर एक बटन बनाता हूँ बीटीएम, बीटीएम डैश सक्सेस, इसका नाम रखते हैं ऐड न्यू कोर्स। ठीक है, ये देखा जाए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बटन है, इसको मैं इधर फ्लॉट कर देता हूँ। तो बहुत सिंपल लेफ्ट सॉरी राइट, और ये रहा एक बीआर का टैग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं आप जैसे डिजाइन करना चाहें। बीआर का टैग काम ही नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे टेबल में मार्जिन कर रहा, अभी भी काम नहीं कर रहा। इसका वजह है क्लियर रेंज करना होगा, नहीं बस तुम क्लियर फिक्स नाम का एक क्लास लगा दूंगा शुरू में, तो वो फ्लॉटिंग वाला वैल्यू को नॉर्मल कर देगा, बहुत अलग हो गया। तो क्लियर फिक्स एकदम क्लियर बोल की तरह काम करते हैं सी एस एस में। खैर, अब ये मेरा एक क्लिक करने पर मॉडल आ जाए, मॉडल बनाते हैं इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे डाटा डैश टॉगल मॉडल, ठीक है, और आगे जो हर्फ है उसमें लगा देंगे गाँव, ये हो गया मॉडल का नाम। बस अब हमको एक मॉडल फिट, इसका आईडी हो रॉक, और उसके बाद मॉडल डैश डायलॉग, इसके अंदर में मॉडल डैश कंटेंट, इसके बीच में मॉडल डैश बॉडी, मॉडल डैश कंटेंट करना मॉडल के अंदर मॉडल के अनुसार न्यू कोर्स, उसके जस्ट बाद बॉडी बनाते हैं मॉडल डैश बॉडी, फॉर्म का टैग मेथड पोस्ट, और बीच में फॉर्म को और यहाँ पे इंक टाइप, क्योंकि मल्टी पार्ट क्लास फॉर्म ऐसा एक्शन जो भी है अब उसके जैसा हमको ग्रुप और बनाना पड़ेगा। टाइटल के बाद आएगा ऑथर, जगह पे भी ऑथर, उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इमेज, इसमें इनपुट टाइप फाइल हो जाएगा और यहाँ पे इमेज हो जाएगा। टाइप मेरा रो लगा देंगे, बॉटम लगाने का जरूरत नहीं है बट रो लगाने की जरूरत होता है जितना लाइन को चाहिए। इसका इंजिन टाइप भी होता है टेक्स्ट दे दिया, डिस्क्रिप्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सपेक्ट
अब ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। अब मुझे देखना होगा कि जावास्क्रिप्ट ऐड है कि नहीं। ऑफ कोर्स ऐड नहीं होगा, तो गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम पर जाना है, नीचे का 3 लिंक को कॉपी करना है। इसके बाद जैसे हेडर इंक्लूड किए हैं वैसे फूटर भी बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छा अगर, तो फूटर डॉट पी एच पी, और इसको पेस्ट कर दिया। अब इंडेक्स और कोर्स दोनों में ही जैसे हेडर इंक्लूड किया हुआ है, कॉपी कर लो नीचे फूटर को इंक्लूड करो, यहाँ पे इंक्लूड करो सलाम फूटर को, और इसको कॉपी कर लेते हैं और कोर्स में डाल देते हैं। बहुत आसानी से इंडेक्स और कोर्स, तो दोनों चीज़ होती है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा फिलहाल, इस बार जावास्क्रिप्ट लोड होगा। इसके लोड होने के बाद मैं क्लिक करके देखूंगा तो मेरा फॉर्म आ, अब मैं सबमिट बटन बनाऊंगा इसका अपने फॉर्म में, इस जगह पे सबमिट बटन। लेबल नहीं होता है सबमिट, और नाम की जगह भी जरूरत नहीं। बटन बिटवीन बिटवीन द सक्सेस बिटवीन ब्लॉक, उसके बाद रिफ्रेश, एक कंप्लीट डिजाइन तैयार। मैं कॉल ले लेता हूँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने इंसर्ट के लिए फॉर्म तैयार कर लिया, ठीक है। इंसर्ट के फॉर्म तैयार करने के बाद, इंसर्ट के फॉर्म को तैयार करने के बाद अब हम लोग यहाँ से इंसर्ट कराएंगे विथ फॉर्म, मतलब अपलोडिंग करवाना पड़ेगा हमको इमेज भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर लगा है आपको, ठीक है ना। चक्कर क्या लगा है मैं आपको बता दूँ। इमेज अपलोड कराना एक अपने आप में कोऑर्डिनेटर में अलग काम है बिल्कुल। तो इसके लिए मैं आपको यूज़र गाइड का थोड़ा सा डिफरेंस देकर बताता हूँ, ताकि आप ज़्यादा समझ पाएँ चीज़ों को, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका लाइब्रेरी, इसमें आप एक लाइब्रेरी देखेंगे उसका नाम है फाइल अपलोडिंग, ठीक है। ये देखिए फाइल अपलोडिंग लाइब्रेरी है, इसमें आपको बता रहा है स्टेप बाई स्टेप कैसे करना है। हालांकि इसको पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है नॉर्मल लैंग्वेजर्स को, यानी जस्ट जो अभी प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं वो सारे, तो उनको थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन हालांकि मैं आपको टफ इसको आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इमेज को कैसे अपलोड किया जा सकता है तो देखा जाए, तो इमेज एंड 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 यहाँ पर चलिए, तो इसका नाम मैंने क्या रखा है इमेज, ध्यान रखना है बस इस बात का। अब मैं आ जाता हूँ एडमिन पैनल पे, एडमिन पैनल पे मुझे यहाँ पे कोर्स में इंसर्ट कराने हैं, तो मुझे यहाँ पे कुछ रूल्स डालने पड़ेंगे, जैसे कि दिस फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन, उसके बाद सेट रूल, और रूल सारे फॉर्म के लिए अलग अलग, ठीक है। तो मैंने जो फॉर्म बनाई है उसमें टाइटल और था डिस्क्रिप्शन इमेज, तो यहाँ पे आ गया टाइटल, टाइटल ऑथर, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आता है इमेज के लिए। मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ इमेज के लिए, वैलिडेशन अलग टेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे इमेज के लिए काम करूँगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहला है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इस तीनों रूल से ओवर अप हो जाऊँगा। मैं लिखूँगा इफ दिस फॉर्म वैलिडेशन, और उसके बाद मैं लिखूँगा रन, अगर ये रन हो जाता है तो ये काम करेगा, नहीं तो एल्स ये काम करेगा। मैं बेसिकली इसको
रजिस्टर सर यहाँ पे रन मेरा काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया रन, और ये अगर वैलिडेशन काम कर जाता है, ये तीनों वैलिड हो जाता है तो नीचे रन में काम करेंगे। तो रन में जैसे आएंगे तो इमेज अपलोड कराना है। इमेज अपलोड कराने के लिए आपको क्या करना होगा, अपलोड नाम की लाइब्रेरी को लोड करना होगा। तो लोड आप ऑटो लोड में नहीं करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के पड़ते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ से कॉपी करके दिखा रहा हूँ आपको, इसमें इफ में डाल दिए। तो क्या है कि कहाँ अपलोड करेंगे, मतलब किस फोल्डर में डालेंगे। तो अपलोड नाम का एक फोल्डर आपको बना हुआ होना चाहिए, अगर आप मेन पेज पर अपलोड होना चाहिए, या फिर आप एसेट्स नाम का फोल्डर रख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एसेट्स नाम का ही फोल्डर रखें सबसे बाहर, ठीक है। तो एसेट्स नाम का फोल्डर सबसे बाहर रख दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख दिया इस तरह से। उसके बाद आप कौन कौन सब अलाउ करते हैं, जैसे जेपीजी, पीएनजी, मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए विथ हाइट, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। नहीं डालना है हटा दीजिए, कोई इशू नहीं, मतलब जो रेगुलेशन है वो आप डाल सकते हैं। और उसको कॉन्फिग नाम का वेरिएबल में दोनों स्टोर किया है। और सेकेंड पैरामीटर लोड करने के लिए दिस लोड लाइब्रेरी और उसका नाम, जैसे दिस लोड भी होता है वैसे लाइब्रेरी भी होता है, वैसे हेल्पर भी होता है। तो अब ये हो गया कि आपका इमेज लोड होगा। अगर अपलोड हो जाता है, ये इफ एल्स है, देखिए अगर अपलोड हो जाता है तो, और अपलोड नहीं होता तो देखिए क्या करना है। तो यहाँ पर इफ एल्स को मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए अपलोड हो गया इमेज नाम, इनपुट टाइप का नाम, तो क्या करना है देखिए। सॉरी नहीं अपलोड हुआ तो यहाँ नॉट लगा हुआ है, नहीं अपलोड हुआ तो एक एरर बनाना है, उसको एरर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देना है, इसको हटा दो, दैट्स इट। और अगर मान लेते हैं कि अपलोड हो जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है, तो उसको क्या करना है, तो उसको मुझे यहाँ पे डेटा दिखाने की जगह पे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा अपने इंसर्टर, मतलब मैं अपना इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं डाटा नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद टाइटल एरो, और कैसे लिखते हैं दिस, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनपुट, इस तरह से लिख सकता हूँ, या फिर मैं डॉलर अंडरस्को पोस्ट लगा सकता हूँ और टाइटल भी। बहुत आसानी से डॉलर अंडरस्को पोस्ट लगा सकते हैं, कई बार आप कर चुके हैं। मैं दो कर सकते इस्तेमाल यहाँ पे कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन, और इस जगह पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ, और बहुत आसानी से अब ये हो गया मेरा काम। अब मैं इंसर्शन के लिए लिखूंगा, अच्छा इमेज भी तो डालना है, तो इमेज के लिए आप लिखेंगे इमेज एरो और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिखा, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स इस्तेमाल करना होगा, और यहाँ पे इमेज और यहाँ पे नेम, नाम ही भेजना है, हो गया। अब नीचे लिखूंगा दिस डाटा वर्क, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट डाटा, और इसमें टेबल का नाम कोर्सेस, और यहाँ पे डॉलर डाटा। इतना करने के बाद क्या करना है, रीडायरेक्ट फंक्शन चलाना है और बताना है कहाँ लेके जाना है। तो मैंने बोला रीडायरेक्ट कर दो कोर्स पे, यानी इसी पेज पे, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ सुपर कोड पे एडमिन स्लैश कोर्स कोर्सेस फंक्शन का नाम। तो हो गया ये रिडायरेक्ट, तो ये कंप्लीट मेरा तैयार हो गया फॉर्म अपलोडिंग, फाइल अपलोडिंग। तो मैं इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट मतलब कोर्स एचटीटीए एमएल एंड सीएसएस, ठीक है, ऑथर सादिक, और डिस्क्रिप्शन है निच है, और मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ निच जो डाउनलोड हुए हैं, देखिए ये ब्लैंक हो गया, रिडायरेक्ट वगैरह नहीं हुआ और इमेज भी अपलोड नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है कि हो सकता है कि अपलोड कंडक्ट नहीं हुआ। तो मैं एरर को जानना चाहता हूँ, अगर एरर क्या है नहीं है, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है ये कि मैं इसको प्रिंट कर दूँ, ऐसे प्रिंट आर एरर, एक एरे का नाम, इसलिए मैंने प्रिंट आर कर दिया। अब मुझे ये बताएं द फाइल टाइप यू आर अटेम्प्टिंग इज नॉट अलाउड, ये मैसेज बता रहा है, यानी कि मेरा जो यहाँ पे मैंने अभी सेलेक्ट किया JPEG था शायद, उसको लगा देते हैं JPEG। तो देखिए अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये अलाउ हो गया और इंसर्ट भी हो गया। देखिए JPEG था फाइल फॉर्मेट जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ था,
तो मैंने और का यानी पाइपलाइन का इस्तेमाल किया और काम हो गया। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़बरदस्त। तो ये इंसर्ट भी ले लिया और डेटा इंसर्ट भी हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया। अब आपको देखना एसेट्स फोल्डर में गया कि नहीं, तो एसेट्स फोल्डर में भी आ गया। तो इमेज अपलोडिंग का काम हो गया पूरा। अब मैं करूँगा इसको कॉलिंग, कॉलिंग करने के लिए मुझे बस जाना पड़ेगा अपने कोर्सेज वाले टेबल में। अच्छा, मैंने कॉलिंग तो कर रखा है, सॉरी ये रहा कॉलिंग। अब मुझे अपने होम पेज पर कॉलिंग करना है, यानी यहाँ इस जगह पर सेम चीज़ को कॉल करना है। तो बहुत आसानी से मैं जाऊँगा एप्लीकेशन में और यहाँ पर इंडेक्स पेज, जो होम पेज का इंडेक्स है ये वाला। ठीक है, अब मेरा लूप होगा यहाँ पर इस जगह। ठीक है, तो मैं पीएचपी कोड ईच डॉलर नंबर सी एज सॉरी कोर्स कंप्लीट कोर्सेस एज सी, ये मेरा लूप यहाँ से बंद इस जगह तक जाएगा। ये और अब ये रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये कोर्सेज नाम से यहाँ से पास नहीं किए थे शायद। मैं एक बार देख लेता हूँ एडमिन कंट्रोलर को, यहाँ पे कोर्सेस ऑफकोर्स मैंने कोर्सेज नाम से पास है। अच्छा यहाँ नहीं पास, सॉरी ये तो एडमिन पैनल है, मुझे तो होम पेजर पे पास करना है। होम पैनल के इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ पे पास करेंगे सेकेंड पैरामीटर डाटा पास करेंगे। तो रिफ्रेश देखिए आ गया। ठीक है, अब मैं इसका नाम वाम चेंज कर दूँ, ये रहा नाम वाम। इस जगह पे इमेज डालना मुझे, मैं बड़ा आसानी से यहाँ पे बेस यू आर एल लगाऊँ, बेस यू आर एल, उसके बाद एसेट्स स्लैश डॉट सी एरो इमेज, ये हो गया। इस जगह पे मैं टाइटल इस तरह से देता हूँ डॉलर सी एरो टाइटल, यहाँ पे ऑथर सी एरो ऑथर, और इसी तरह से और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। रिफ्रेश करते हैं, देखो मेरा इमेज छोड़ के सब आ गया है। एसेट्स डॉट स्लैश एसेट्स, मुझे लगता है बेस यू आर एल के बिना भी लिख सकता हूँ, डॉट स्लैश एसेट्स। उसका वो ऐप पास से बाहर है, एप्लीकेशन फोल्डर से ही बाहर है, ऐप पास लगाना तो पॉसिबल नहीं है। मैं देखता हूँ एक बार कि आखिर ये कंट्रोल यू करके क्या देता है। तो ये बिल्कुल एसेट्स स्लैश, अच्छा कैरेक्टर इज नॉट अलाउड, मतलब इसमें जो नाम चला गया ना वो नाम एक्चुअल में सही नाम नहीं है। मतलब मैं थोड़ा नाम चेंज करूँगा, इमेज डॉट जे पी ई जी कर दूंगा। ठीक है ना, ऐसा नाम नहीं डालना चाहता मैं, सॉरी जे पी ई जी की जगह कुछ और। और यहाँ पे जो एसेट्स फोल्डर में नाम है ना वो उसको भी चेंज कर दूँगा, वी नेम इमेज। अब देखो क्या होता है, देखो एक्सेसिबल है, अब इसका फोटो भी आ जाएगा। यानी कि फाइल का नाम था ना वो बड़ा गंदा सा नाम है, तो जिसकी वजह से वो नाम को नॉट अलाउड कैरेक्टर यू आर एल बताया, मतलब उसमें डैश ये वो जो यू आर एल में नहीं होता वो भी था। तो देखिए कंप्लीट तरीके से यहाँ पे एक कोर्स आ गया, काफ़ी मज़ेदार। अब मैं इसकी डिटेल बाद में तुमको दिखा कहीं पे हटा दिए, आप जाएंगे यहाँ पे ना तो आपके नीचे में यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, मैक्सिमम विथ मैक्सिमम हाइट मिनिमम विथ मिनिमम हाइट, फाइल नेम क्या चाहिए, फाइल नेम इंक्रीमेंट पाथ अलाउ टाइप फाइल नेम है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे ट्रू फॉल्स सब आप दे सकते हैं, ये इसमें लिखा हुआ। खैर आज के लिए इतना ही, इसमें पार्ट पार्ट में 24 मिनट के लिए इस पार्ट में इतना ही।